अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको ट्राई ऑन इन्वर्टर के बारे में बताएंगे, जो कि एक MPPT सोलर इन्वर्टर है और ये अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है। और इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है जो देखी जाती है कि ये कंप्लीट 960 वॉट करंट जनरेट करता है। अमूमन जो इन्वर्टर होते हैं वो इतना करंट जनरेट नहीं करते। और इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं, इसका YS1201 इसका मॉडल नंबर है। 1201 का मतलब ये आपका 1200 वाट नहीं बल्कि 960 वाट जनरेट करता है, कम जनरेट करता है तो लिखा हुआ होता है उसके हिसाब से। और बाकी अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस पर 1200VA सबसे टॉप पर आप ये देखें, इसके 1200VA लिखा हुआ है, जबकि ये 1200VA नहीं होता, ये तकरीबन 1000 वाट करंट जनरेट करता है। और जो दूसरे UPS हैं वो इतना करंट जनरेट नहीं करते। जो दूसरे इन्वर्टर आते हैं वो तकरीबन 600 से 700 वाट जनरेट करते हैं। इसकी 2 ईयर्स नेशन वाइड केयर सर्विस की वारंटी है। 2 साल में कोई ख़राबी हो तो आप कंपनी से इसको रिपेयर और ठीक करवा सकते हैं। और ये हाई टेक चार्जिंग सिस्टम बुलेट, इसके अंदर जो MPPT चार्जर है वो बहुत हाई क्वालिटी का लगा हुआ है, जो आपकी सोलर की प्लेटों से अच्छा करंट जनरेट करके आपको देता है। इसमें आप ये देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है 320 वाट की, आप इसमें 3 प्लेट्स अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये 320 वाट की प्लेट्स नहीं हैं बिलफर्ज, तो आप इसके अंदर सिंगल प्लेट्स, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं 6 प्लेटें 150 वाट की या 180 वाट की, आप इसको पैरेलल में भी लगा सकते हैं और सीरीज़ में भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर। अगर आप खाली फैन लाइट यूज़ करते हैं तो आप पैरेलल यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको 24 वोल्ट की सीरीज़ में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम आपको देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आपको इसकी मज़ीद मालूमात आपको फराहम करते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है। इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है उस हवाले से। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो ये MPPT मॉडिफाइड से साइंस वेव इन्वर्टर, और इसमें 70 एम्पेयर का इसमें MPPT चार्जर लगा हुआ है, जो आपकी प्लेट से जो अच्छा करंट जनरेट कर उसको आपको सही यूटिलाइज करता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी फराहम करता है। अदरवाइज़ दूसरों में अगर आप जाएंगे तो उसमें 50 एम्पेयर का मैक्सिमम लगा हुआ होता है MPPT। अच्छा जी, तो इसका जो मैक्सिमम PV एरर पावर है वो 960 वाट है। अच्छा जी, और 960 वाट ये करंट जनरेट करता है। इसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्विसेज इसमें सब शामिल हैं। अल्लाह ना करे कहीं से वायरिंग शॉर्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर भी ये आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपकी चीज़ों को नुकसान होने से बचाएगा। अच्छा, और इसमें 3 स्टेज ऑफ चार्जिंग होते हैं, एक तो सोलर से चार्ज होता है और एक बिजली से चार्ज होता है, और एक वो चार्ज कि ये आपको घर में करंट भी सप्लाई करे सोलर के थ्रू और साथ में चार्ज भी करे। तो इसमें तीनों ऑप्शन हैं, जिस पे आप रखना चाहें। इसमें सेटिंग्स हैं जिसको अभी हम आपको मज़ीद आगे वीडियो में दिखाएंगे। और इसका जो सबसे प्यारी बात, ये इसका LCD का डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके लोड के ऊपर आ जाते हैं कि ये इसके में देखें, ये चार्ट बना हुआ है कि आप इसके ऊपर 3 फैन 1 LED 1 कंप्यूटर और CCTV कैमरा और 20 बल्ब वगैरह और 1 राउटर, आप इसमें सब चीज़ें ये एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, बैटरी के एम्पेयर के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी बैटरी हैवी लगी हुई होगी उतने ज़्यादा आप इस पर मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोड आप देख सकते हैं 6 पंखे 1 TV 1 कंप्यूटर और 1 CCTV कैमरा और 8 इसमें आप बल्ब और 1 वाईफाई का राउटर, इसमें ये सब आइटम आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जितनी अच्छी आप बैटरी लगाएंगे सपोर्ट में इसके, उतना ज़्यादा ये आपको अच्छा बैकअप देगा। और बैटरी लगाने से मुराद ये है कि जब आपने इसमें हैवी ड्यूटी बैटरी लगा दी है तो ये जो करंट जनरेट करेगा पूरा दिन आपको सोलर के थ्रू सप्लाई करेगा, और सोलर से जो करंट जनरेट होगा साथ साथ आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, जिससे आपको रात में भी मगरिब के बाद, जैसे कि 6-7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक बैटरी बैकअप पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा बैकअप आपको दे सकता है। अच्छा, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर तकरीबन 40,000 के करीब है। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं आप, हमने ये इसमें ट्यूबलर बैटरी लगाई है, 230 एम्पेयर की इसमें ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है, और ये फिनिक्स कंपनी की है, ये TX2500 इसका मॉडल नंबर है। ये देख सकते हैं आप 12 वोल्ट 230 एम्पेयर, जिसके अंदर इस वक्त हम चला रहे हैं इसके ऊपर 1 फ्रिज 3 फैन और बाकी घर की जो लाइट्स वगैरह नॉर्मल होती हैं। अब हम आपको इसका इन्वर्टर दिखाते हैं, आप देखें माशाल्लाह इसका इन्वर्टर का जो लुक है वो बिल्कुल इन्वर्टर जैसा लुक है।
जबकि नॉर्मली जो इन्वर्टर आपका इन्वर्टेक्स का इस वक्त मार्केट में तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये तक पहुंच चुका है। तो ये एक तरीके से उसका नेमो बदल है, ट्रायोन वाइस 1201 इसका मॉडल नंबर है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे 45 वोल्ट पीवी वोल्ट, मतलब सोलर से जो हमारे वोल्ट आ रहे हैं वो 45 वोल्ट इस वक्त मौजूद हैं जो कि ये जनरेट कर रहा है। और इसके अंदर जो आउटपुट है वो 227 या 220 होनी चाहिए, 220 से 230 वोल्ट वो हमको बिल्कुल सही दे रहा है। अब इसमें देख सकते हैं आप बैटरी की जो वोल्ट हैं वो इस वक्त 12.2 हैं, साथ में बैटरी भी चार्ज हो रही है और ये लोड भी चला रहा है घर का। अच्छा जी, आप इस वक्त देख सकते हैं कि इसमें 40% इस वक्त हम इसका पावर यूज़ कर रहे हैं, और अगर वाट में काउंट करें तो 388 तकरीबन 390 वाट का इस वक्त इसके ऊपर लोड डला हुआ है। और इसके ऊपर 12 वोल्ट 21.1 इस वक्त इस पे एम्पेयर आ रहे हैं जो कि सोलर से जनरेट हो रहे हैं। 21 एम्पेयर इस वक्त इसमें आ रहे हैं जिससे ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है और साथ में बैकअप भी दे रहा है। तो मैं आपको यही इन्वर्टर सजेस्ट करूंगा, आप यही इन्वर्टर ट्राई ऑन का लगाएं, ये बहुत मुनासिब पैसों में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको बिल्कुल मशवरा दूंगा कि आप यही वाला इन्वर्टर लगाएं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। और अगर ये 960 वाट आपका लोड उठाने के काबिल है तो आप इसमें मैक्सिमम 600-700 वाट ही इस्तेमाल करें, इसकी 100% एफिशिएंसी यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।